नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, नीमच जिले के भाजपा महामंत्री श्याम काबरा को फिरौती और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में राजस्थान में एक सुनियोजित तरीके से पैसे देने की डीलिंग की गई और फिर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अर्जुन सिंह नाम के एक व्यक्ति की भूमिका बताई जा रही है। 6 लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। श्याम काबरा जिला महामंत्री है नीमच के, जिन्हें 19 तारीख को जान से मारने की धमकी और फिरौती देने की धमकी मिली थी। उनके बेटे को जान से मारने की धमकी के बदले पैसे मांगे गए थे। इस मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। 19 तारीख से लगातार फोन पे धमकी मिल रही थी और 20 तारीख को भी लगातार फोन और मैसेज आ रहे थे। मेरे फ़ोन पे भी धमकी आई, मेरे बेटे के फ़ोन पे भी धमकी आई, बेटे के भी मैसेज आए। धमकी यही थी कि भाई अगर आप 50 लाख रुपये दे दो मेरे को तो आपको और आपके बेटे को मेरे शूटर गोली से उड़ा देंगे। तो वो किस प्रकार से रूपरेखा बता रहे थे आपको, जैसे क्या आ रही थी धमकी के बाद मैसेज भी तो आया? टेक्स्ट मैसेज भी आया, पूरा मैसेज भी यही आया, गोली मार देंगे तेरे बाप के। समझ में नहीं आ रही है क्या? तेरे बाप को समझा दें तो पहले तेरे को गोली मार देंगे, ये बात तेरे बाप को बता देना। फिर क्या हुआ, आपने धमकी की बात क्या की? मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी, एसपी साहब को बताया पूरा मार्गदर्शन में, और फिर उन्होंने 50 लाख की जगह बात हुई, तू कितना दे सकता है? तो मैंने कहा मैं 1-2 लाख दे सकता हूँ। फिर वो नहीं माना तो 8 लाख में जाके मैंने कहा भाई 8 लाख तक मैं कर सकता हूँ। तो जब मैंने उनको 8 लाख रुपये देने की बात करी और 8 लाख रुपये देने गया तो पुलिस के अधिकारियों ने पूरा पूर्ण सहयोग करके लेके पूरा। श्याम जी काबरा निवासी जावत द्वारा रिपोर्ट किया था कि उनको अज्ञात मोबाइल द्वारा 50 लाख की मांग की जा रही है और पैसा नहीं देने पर उनको और उनके लड़के को जान से मारने तक की धमकियां दी जा रही है। उनकी रिपोर्ट पर हमने तत्काल अपराध दर्ज किया और एक योजना बनाकर जो पैसा मांग रहा था उन व्यक्तियों से हमने संपर्क किया, पैसे की व्यवस्था करके 8 लाख रुपये देना तय हुआ और रुपये दे करके हमने श्याम काबरा जी को और उनके साथियों को निर्धारित स्थान जो राजस्थान बॉर्डर है वहाँ पर भेजा। वहाँ पर जैसे ही पैसे की डीलिंग हुई वैसे ही हमारी टीम द्वारा सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। इसमें हमारी टीम द्वारा 6 आरोपियों ने को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम गोविंद सिंह राजपूत, भगवत सिंह सारंग, इंदिरा कुंवर, रानू ठाकुर, नरेंद्र सिंह और राम प्रताप सिंह है, जिनको गिरफ्तार करके डीलिंग के 8 लाख रुपए सहित उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके हमसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि जो मास्टरमाइंड है अर्जुन, जो गोविंद सिंह का लड़का है, वो उदयपुर से ही पूरी योजना बनाया था और वो इसमें योजनाबद्ध तरीके से इनको भेजा था और वो अभी इसमें उदयपुर में होना पता चला है, जिसके लिए हमने टीम भेजी है। पूरे प्रकरण में हमने कठोर कार्रवाई की है। इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।